नमस्कार आद्य अमोंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाऊंगी। कैसे बनेगी ये बताऊंगी और क्या क्या सामग्री चाहिए, चलिए मैं हम आप लोगों को बता दे रहे। मैंने कद्दू लिया है, उसको काट लिया अच्छे से छोटे छोटे पीस में, और प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, टमाटर है, और मीठा करने के लिए उसमें चीनी लिया है, आप गुड़ भी ले सकते हैं। पैन को चढ़ा दिया है गैस पे, उसमें 2-3 चम्मच 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे फ्राई करने के लिए कद्दू को। और देखिए इस तरह डाल करके कद्दू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े पीसेज नहीं काटने हैं कद्दू के, देखिए जैसा मैं दिखा रही ऐसे पीछे पीसेज काटने हैं, और इसको चलाते हुए अच्छे से तल लेंगे ताकि ये आधा पक जाए, तलते समय ही तेल में भून जाए अच्छे से। इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है, इसको तेल में डाल के फिर इसको तल लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है, बस मीडियम, मतलब 2 चम्मच तेल बहुत रहेगा इसके लिए। और जब ये तल जाएगा उसके बाद से, तब तक ये तल रहा है तब तक यहाँ पे मैं मिर्ची और लहसुन का जो था उसको मैं खलबट्टे में कूट लूँगी डालने के लिए। इसको क्रिस्पी कर सकते हैं। वो देखिए हमारे भून के तैयार हो गया है कद्दू, हल्का ब्राउन हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार देंगे, और इसी गैस पे दूसरी कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई उधर मेरी गर्म हो रही, तब तक इधर मसाले को मिला रहे। सब्जी मसाला है, हल्दी पाउडर है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिया है। बस इसमें अब कसूरी मेथी थोड़ा सा डालेंगे, और ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डालते हैं, वो डाल दिया है मैंने। देखिए कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, अब इसमें तेल डालेंगे, सरसों का तेल, आप कोई और तेल भी डाल सकते हैं। ये काली मिर्च है, लौंग है, और दालचीनी है, इसका तड़का दे देंगे हम। उसके बाद जीरा और पंचफोरन डालेंगे इसमें। पंचफोरन डालने से सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि उसमें पांच चीज़ों का मिश्रण होता है, मिला हुआ एक दूसरे से, तो उसको पंचफोरन बोलते हैं। उसमें अजवाइन होती है, जीरा होता है, सौंफ होता है, और ये डाल दिया मैंने लहसुन और अदरक का जो कूट करके रखा था। और जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज को। अच्छे से भून जाएगा तो इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। देखिए मैंने प्याज को भी डाल दिया है। इसको डाल करके अच्छे से चलाएंगे जब तक ये ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। और मैंने टमाटर और प्याज दोनों को चॉपर में चॉप कर लिया है, मिक्सर में नहीं पीसा है। देखिए प्याज मेरी ब्राउन हो गई है, अब इसमें टमाटर को भी डाल लिया है। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। देखिए मैं नमक को भी ऐड कर दिया है, अब अच्छे से इसको चला लेंगे। जब ये तेल छोड़ देगा उसके बाद इसमें मसाले को ऐड करेंगे। मसाले को मैं पहले भिगो के रख दिया है, मैं हमेशा मसाले को कटोरी में निकाल के भिगो के ही रखती हूँ, उसके बाद डालती हूँ। सूखा मसाला ही रहता है, उसको पानी में डाल देती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं ऐसे ही करती हूँ। देखिए मैंने टमाटर और प्याज दोनों तेल छोड़ दिया, उसमें मसाले को ऐड कर दिया है। अब मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक ये भी तेल छोड़ दे। इसमें कसूरी मेथी को भी ऐड कर दिया है, कसूरी मेथी डालने सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। कसूरी मेथी को भी ऐड कर दिया, अब इसको अच्छे से मिला देंगे और मसाले को छोड़ देंगे भुनने के लिए। और देखिए मेरा मसाला कितने अच्छे से भुन रहा है, धीरे धीरे तेल छोड़ रहा है, तेल छोड़ दिया है। अभी भी थोड़ा तेल छोड़ने के लिए उसको पकाएंगे, और इसमें मैंने चीनी को भी ऐड कर दिया है। ये खट्टी मीठी सब्जी बनती है, पूरी के साथ खाइए, चावल दाल मतलब रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए मेरा मसाला भुन गया चारों तरफ से, देखिए प्याज मतलब मसाले तेल छोड़ दिए हैं एकदम से। और इसमें अपने आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करेंगे, मैंने 1 गिलास डाला है।
और इसको चलाते हुए ढक करके थोड़ी देर के लिए बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। आँच को तेज रखा है मैंने। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तब इसमें कद्दू को मिला देंगे। और देखिए आ गया है, अब इसमें कद्दू को भी मिला देंगे जो तो भून करके मैंने तल करके रखा था तेल में। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको भी ढक करके थोड़ी देर पकाएंगे, 5 मिनट तक, क्योंकि कद्दू तो पहले से ही पक गया है, थोड़ा बस बचा है पकने के लिए। और इसमें जो इस बात का ध्यान रखेंगे पहले से भी नमक पड़ा हुआ है तो नमक उतना ही डालना है, और मैंने नमक को भी ऐड कर दिया है आवश्यकता अनुसार। और ढक करके पकाएंगे। तो देखिए मेरी सब्जी कितनी अच्छी हरी एकदम दिख रहा है, कद्दू पक के तैयार हो गई है। और देखिए मेरी कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी बन के एकदम तैयार है, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी बनाइए खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखिए आप लोग। नमस्कार।